हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिकम फ्राइसिंग एक्सपर्ट में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक प्रॉब्लम के बारे में, और उसका सोल्यूशन भी मैं आज आपको दूंगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढते हैं दोस्तों, कैसे इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं मात्र वन क्लिक में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे उस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ कि इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है। जब भी आप इसको कुछ भी टाइप करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी ओपन करते, तो ये स्क्रीन पिंक हो जाती है और ये देखिए अजीब सी बिहेव कर रही है। तो आप लोगों के बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप दुकान पे जाएंगे या किसी शॉप पे जाएंगे तो आपको ये कह के दूसरा डिस्प्ले लगा दिया जाएगा कि आपके फ़ोन में का डिस्प्ले ख़राब हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, आपको घबराना नहीं, बिल्कुल आप वन क्लिक में इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और आपको एक सेटिंग करनी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखिएगा, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बता दूंगा कि इसको सेटिंग को कैसे इसको सही करते हैं दोस्तों। अगर कुछ भी आप ओपन करते हो देखें, ये फ्लक्चुएट करती है स्क्रीन, और स्क्रीन फ्लक्चुएट करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आपको प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं हो पाता किसी भी वर्क पे। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे उस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे करना क्या है। आपको सिंपली इसको इस सेटिंग को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रहे दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन में प्रॉब्लम नहीं, आपके सेटिंग से प्रॉब्लम ये आई है जो ये फ्लक्चुएट कर रही है आपकी स्क्रीन। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इसको सोल्यूशन करना है, और इसके बाद आपका स्क्रीन सब कुछ एकदम प्रॉपर चलने लगेगी। आपको सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने के बाद आपको कहाँ जाना मैं आपको बताता हूँ। स्क्रॉल कीजिएगा, अबाउट डिवाइस में जाना आपको। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर इन्फो, सॉफ्टवेयर इन्फो पे क्लिक कर देंगे। सॉफ्टवेयर इन्फो पे क्लिक कर देने के बाद आपको बिल्ड नंबर पे 7 टाइम टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 टाइम आपको टैप करने के बाद अगर आप देख पाएँ, बैक चले जाएँ, और बैक जाने के बाद अगर आप ये देख पाएँ तो यहाँ देखिए डेवलपर ऑप्शन आ गया दोस्तों। आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन कर देना है। डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने के बाद जस्ट इसको पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद स्क्रॉल कीजिएगा, और ये एक ऑप्शन होगा, इसमें आपको दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा वेट करिए एंड जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए शो स्क्रीन अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी भी देखिए ये फ्लक्चुएट कर रहा है, जस्ट मैं इसको वन टैप में करके दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, सो स्क्रीन देखिए अभी भी फ्लक्चुएट कर रहा, ये स्क्रीन ब्लिंक पिंक हो जा रही है। तो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, सो स्क्रीन अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ एंड जस्ट आप देखिए कि कोई भी ऑप्शन ओपन करने के बाद ये फ्लक्चुएट नहीं कर रही, और आपकी स्क्रीन प्रॉपर तरीके से चल रही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली दोस्तों। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से, अगर आप उसको फ़ोन को बंद करके देखना चाहें कि बंद करने के बाद भी ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो ये भी मैं आप दिखा दे रहा हूँ आपको। सिंपली फ़ोन रिस्टार्ट होगा, आफ्टर रिस्टार्ट ये फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। आपको रिस्टार्ट नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सैमसंग का J2 प्रो मॉडल है दोस्तों। इसी तरीके से आप भी सैमसंग के किसी भी फ़ोन का ये जो स्क्रीन फ्लक्चुएट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो में अगर आपको कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन लगे तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई देने की विद इन 15 मिनट में कोशिश करूंगा। एंड 15 to 13 मिनट में आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं घबराना। आपके फ़ोन में जो भी फ्लक्चुएटिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। देखिए अगर आप देख पाओगे तो ये देखिए, मैं जब भी कुछ भी ऑन कर रहा हूँ तो आपके सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आपके फ़ोन में। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं एंड जस्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।